हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस हमारी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और जो भी AFO एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं किस बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, IBPS AFO की एग्ज़ाम हाल ही में प्री एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुई है और इसका मेंस जल्द ही आने वाला है। 10-15 दिनों में मेंस है, तो उसी की प्रिपरेशन आपको इजीली कराने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो 3 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट आपको 2019 का मेंस का पेपर, सेकंड वीडियो जो होगी वो 2018 का मेंस का पेपर, और थर्ड वीडियो जो होगी 2017 का मेंस का पेपर विद ऑल द आंसर्स। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। ये वीडियो हर उस AFO एस्पिरेंट तक ज़रूर पहुँचाए जो AFO मेंस क्लियर करना चाहता है। इससे आपको थोड़ी तो भी हेल्प ज़रूर होगी। और अगर दिल से कहता हूँ दोस्तों, अगर किसी भी AFO एस्पिरेंट को मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर हेल्प होती है ना, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई बात नहीं होगी। ये मेरी छोटी सी कोशिश है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं जनवरी 2019 का AFO का मेंस का पेपर क्या था। इस मैं ये बहुत ही फास्ट लूंगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए, आपके पास समय कम है, फिर भी आप ध्यान देके देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मीडियम टाइप ऑफ रूलर गोडाउन, क्या होती है, कितनी कैपेसिटी होती है, 500,000 और 2,000 मेट्रिक टन्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर हाउ मच टाइम पीरियड वी कैन स्टोर फूड ग्रेन इन रूलर गोडाउन, कितने मंथ्स के लिए रख सकते हैं, कितने टाइम्स के लिए। देखिए ऑप्शन क्या है, 9, 11, 12 और 10 मंथ्स, इट्स 9 मंथ्स, ओके फ्रेंड्स, 9 मंथ्स। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाउ मच एरिया इन परसेंटेज इज कवर्ड अंडर स्टोरेज इन रूलर गोडाउन्स, कितना एरिया इन परसेंट, परसेंट में कितना एरिया कवर्ड है गोडाउन्स में, 70%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following propagation method is used in droopy or viney? Okay, क्या पूछा है? Propagation method, इसमें droopy और vines के लिए कौन से method use की जाती है? तो देखिए क्या है? Serpentine layering, tip layering, air layering, trench layering, mound layering. कौन सी layering आती है? Serpentine layering. Next question. बनाना इज एक्सपोर्टेड टू गल्फ एरिया, इंडिया एक्सपोर्ट मैक्सिमम बनाना टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अरेबियन कंट्रीज, कौन से कंट्री को करती है, सऊदी अरेबिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, रॉटनिंग ऑफ स्टेम एट ग्राउंड लेवल डिसीज इज नोन एज, क्या है, रॉटिंग ऑफ स्टेम एट ग्राउंड लेवल, मतलब फुट रॉट, विल्ट, लीफ कर्ल, मूलिया और लीफ रस्ट। रॉटिंग में यहाँ पे सीधा सीधा देखिए, फूड रॉट, रॉटिंग क्या है, तो फूड रॉट आंसर आएगा, फूड रॉट। सेवेंथ क्वेश्चन, पेगिंग एंड पॉड फॉर्मेशन स्टेज हैज ऑकर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप, पेगिंग एंड पॉड फॉर्मेशन स्टेज कौन से क्रॉप में आती है, ग्राउंड नट, सिसेम, वीट, मस्टर्ड और सोयाबीन, इजी क्वेश्चन है, ग्राउंड नट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप हैज लोवेस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो लोवेस्ट किसका है, ऑल मिलेट, वीट, ग्राउंडनट, सनफ्लावर और शुगर केन, किसका है, जी हाँ, ग्राउंडनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, इनाम कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, तो देखिए दोस्तों ये हुआ था 2016 में लॉन्च, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर रबी क्रॉप्स अंडर PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंतर्गत रबी क्रॉप्स का रेट क्या है, ठीक है, 1.5 इसका आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर कमर्शियल
स्लैश हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये है फ्रेंड्स फाइव। व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर ऑयल सीड क्रॉप्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स फाइव। जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। मैं ऐसी न्यू वीडियोस लेके आता रहता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप हैज सीआरआई एज क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज? सीआरआई स्टेज किसमें आती है? व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, मस्टर्ड, किसमें आती है? या दोस्तों ये आती है व्हीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? इट वॉज स्टार्टेड इन 2016। Which among the following horticulture crop has lowest production? कौन से इसका है? फ्रूट का है, वेजिटेबल का है, मेडिसिनल का है, प्लांटेशन का है और स्पाइसेस का है? जी हाँ दोस्तों ये मेडिसिनल का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी? लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी किस में है? फ्रूट में है, वेजिटेबल में है, मेडिसिनल में है, प्लांटेशन में है या स्पाइसेस में है? मेडिसिनल में। ठीक है, मेडिसिनल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी क्या में है? वेजिटेबल्स में है दोस्तों। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड गोट पॉक्स वैक्सीन? कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप की? IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल्स अंडर RKVY? RKVY का मतलब क्या होता है पता है आपको? नहीं पता तो अभी के अभी सर्च कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है 15,000। ओके, व्हाट इज द सब्सिडी गिवन फॉर फिश पॉन्ड अंडर ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम? कितनी होती है? 50%। एक्चुअली यहाँ पे परसेंट रह गया, 50% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू RBI रूल्स हाउ मच लोन कैन बी गिवन टू पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स? ओके, कितनी दी जाती है, कितना लोन दिया जा सकता है पुअर और स्मॉल फार्मर्स को? देखिए 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और 1 लाख। जी हाँ दोस्तों 1 लाख दिया जा सकता है, 1 लाख लोन दिया जा सकता है। व्हाट इज द प्रोपोगेशन मेथड ऑफ कैश्यू? क्या है कैश्यू की अप्रोच? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग और बडिंग और कटिंग? क्या है? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजफुल वर्किंग आवर्स ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर? कितने आवर्स होते हैं? 6,000 आवर्स, 7,000 आवर्स, 10,000 आवर्स और 5,000 आवर्स? जी हाँ दोस्तों इसका आंसर है 6,000 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मंडीज आर कवर्ड अंडर इनाम टिल नाउ? मीन्स ये 2019 का क्वेश्चन पेपर था, तो उसमें कितनी मंडीज थी? 500 से 600 मंडीज कवर हुई थी। विच रिवर कवर्स लोवेस्ट एरिया अंडर फार्मिंग? विच रिवर कवर्स लोवेस्ट एरिया अंडर फार्मिंग? कौन सी है? महानदी, कृष्णा, गोदावरी और इंडस। जी हाँ दोस्तों ये इंडस है। इन विच मेथड क्रॉप रेसिड्यू रिमेन्स undisturbed condition but during sowing of seed and fertilizer injection? ये होता है conventional tillage। Which among the following biofertilizer do not provide nitrogen? Trichoderma, rhizobium, azotobacter, acetobacter, aspergillum? इसका आंसर है Trichoderma viridi। 28. Which among the following state has highest labor wages per day? समझे? त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, बिहार। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा में हाईएस्ट वेजेस है। हमारा 29th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज लोवेस्ट लेबर वेजेस पर डे? गुजरात, त्रिपुरा, असम, छत्तीसगढ़ और पंजाब। तो ये है त्रिपुरा। How many districts are covered under lead bank scheme till now? Lead bank scheme. Okay. तो इसमें कितने हुए हैं? 706, 278,
526, 678 और 901। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? 706 डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड। हाउ मेनी ग्राफ्ट साइंस कैन बी टेकन फ्रॉम अ सिंगल प्लांट अकॉर्डिंग टू नाबार्ड? कितने ले सकते हैं? 15, 20, 25, 30, 40। कितने? 25 लिए जा सकते हैं ग्राफ्ट्स। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज लोवेस्ट ग्राउंड ब्रैकिश वाटर इन इनलैंड एरिया? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात। कहां पे? कर्नाटका में। लोन फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एक्टिविटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। कितना कितना लोन लेंड करते हैं? 1 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़। हाउ मच? 5 करोड़ लोन लेंड करती है। ठीक है, हाई वॉल्यूम स्प्रे लिक्विड क्वांटिटी, कितनी लिक्विड क्वांटिटी होती है हाई वॉल्यूम स्प्रे में? कितना है? मोर देन 400 लीटर, लेस देन 400 लीटर, मोर देन 200 लीटर, मोर देन 300 लीटर और मोर देन 100 लीटर। हाउ मच बताइए? मोर देन 400 लीटर। ट्रैक्टर ड्रॉन पावर हैरो कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी होती है? ठीक है, 1.5, 1, 3, 5, none of this, it's 1.5. How many क्रॉस ब्रीड्स आर टेकन विथ फिश कल्चर इन 1 हेक्टर लैंड? कितने? 4, 5, 6, 7। कितना? 5, समझे? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज हाईली इरीगेशन सेंसिटिव क्रॉप? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज हाईली इरीगेशन सेंसिटिव क्रॉप? इरीगेशन सेंसिटिव क्रॉप कौन सा है? कैबेज, रेड ग्राम, वीट, कॉटन और मिलेट्स? इट्स कैबेज। Which among the following is medium to high irrigation sensitive crop? Medium to high irrigation sensitive crop कौन सा आएगा इसमें? Cabbage आएगा, red gram आएगा, wheat आएगा, cotton आएगा या millets आएगा? Cabbage तो sensitive में आता है, तो इसमें आएगा wheat. Next question: Which among the following state has highest alkaline soil? कौन से state में alkaline soil ज़्यादा है? यूपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। क्या आएगा आंसर? यूपी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल? लेस देन 5.5, 7, 8, 11 और 7.5। कितना पीएच होता है एसिडिक सॉइल्स का? लेस देन 5.5, ये ध्यान में रखिए, इजी क्वेश्चन है वैसे। What is the MSP of wheat according to 2017-18? कितनी MSP है? ये आप, ये आंसर आपको ढूंढना है। चलो जानते, मैं ही बता देता हूँ। Which among the following nutrient deficiency symptom is major? Vein remain green, top veins become short and slender, and chlorosis on few leaves. ये कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी सिम्टम्स है? देखिए, Fe मतलब आयरन, Mn, Cu, बोरॉन, जिंक। कौन से इसका है? Fe, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द RPM ऑफ रोटरी टिलर? रोटरी टिलर का RPM कितना होता है? 180 to 200, 120 to 150, 200 to 250, 230 to 280, 80 to 120। कितना? 180 to 200 RPM. Next question, in which type of tillage 15 to 30% residue left on the soil surface? कौन से इसमें? Conventional tillage, rich tillage, mulch tillage, reduced tillage or no tillage? यह आएगा reduced tillage. In which disease gall formation of roots occurs? Root knot nematode, bacterial blight, leaf rust, powdery mildew, leaf spot. It's root knot nematode. Next question,
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंसेक्ट कॉजेस डैमेज इन साइड द स्टेम? सुडोस्टेम बोरर, गॉलमीज, ब्राउन प्लांट हॉपर, एफिड और लीफ कर्ल? इट्स सुडोस्टेम बोरर, स्टेम को बोर करता है. बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस के ऊपर क्वेश्चन है. वुडन फ्रेम्ड, कंप्यूटराइज्ड, कूलिंग पैन पैड, इवन स्पैन और ग्लास ग्लेजिंग? इट्स वुडन फ्रेम्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर द कवरिंग मटेरियल विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ग्रीन हाउस? एज पर द कवरिंग मटेरियल, वुडन फ्रेम्ड, कंप्यूटराइज्ड, कूलिंग फैन पैड, इवन स्पैन और ग्लास ग्लेजिंग? क्या आएगा? कवरिंग मटेरियल क्या 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 होता है? ये नहीं होता, कंप्यूटराइज नहीं होता, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है ग्लास ग्लेजिंग. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंकरस स्पॉट फॉर्मेशन ऑकर्स इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसीज? कैंकरस स्पॉट कौन से डिसीज में आते हैं? बैक्टीरियल कैंकर, लीफ स्पॉट, रूट नॉट, नेमाटोड, फुट रॉट, लीफ रस्ट? ये तो इजी है, बैक्टीरियल कैंकर. इसके आंसर में ही कैंकर है. कैंकरस स्पॉट क्यों नहीं फॉर्म करेगा? जस्ट मजाक कर रहा था, आप सिम्टम्स पढ़ लीजिए. वॉट इज द मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नारी शक्ति पुरस्कार? अबाउट 30 ईयर्स, 22 ईयर्स, 25 ईयर्स और 28 ईयर्स? हाउ मच? इट्स 25 ईयर्स इज द मिनिमम एज एलिजिबिलिटी फॉर नारी शक्ति पुरस्कार. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति पुरस्कार योजना गाइडलाइन वॉज रिसीव्ड इन विच ईयर? 2014, 2015, 2016 और 2018? इट्स 2018. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नाइट्रोजन कंटेंट इन कैन फर्टिलाइजर्स, CAN फर्टिलाइजर्स? कितना होता है? 25%, 28%, 20.6%, 30% और 22%? इट्स 25%. अरे रुकिए रुकिए, वीडियो खत्म नहीं हुआ है. आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले. और हाँ, आपको सेकंड वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको तीनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे. यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाल बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक एफओ एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं.